पश्चिम बंगाल का संदेश खाली पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है और इसकी वजह है टीएमसी नेता शाहजहां शेख। संदेश खाली का मुद्दा पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक गरमाया हुआ है। बीजेपी इस मुद्दे पर बंगाल की ममता सरकार को लगातार घेर रही है। वहीं शाहजहां शेख पर कई गंभीर आरोप लगे हैं, हालांकि वो अब तक पुलिस की पकड़ में नहीं आया है। बता दें कि शाहजहां पर महिलाओं पर अत्याचार, जबरन जमीन कब्जाने समेत कई गंभीर आरोप लगे हैं। संदेश खाली और आसपास के लोग शाहजहां और उसके भाई सिराजुद्दीन शेख के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। महिलाएं प्रदर्शन कर ममता सरकार से न्याय की गुहार लगा रही हैं। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर किस तरह से स्लोगन्स दिए जा रहे हैं, यहाँ पर देखिए नारे लगाए जा रहे हैं, हाथों में झाड़ू और डंडा लिए फांसी की मांग करते हुए शेख शाहजहां और शेख सिराज के लिए जो है यहाँ पर फांसी की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर ये बेर मुजुर का इलाका है जहाँ पर कल भी हमने हिंसा देखी थी। गाँव वालों में इतना गुस्सा और इतना आक्रोश आज भी है। वहीं बीजेपी इस मुद्दे को लेकर ममता सरकार पर जमकर हमले बोल रही। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आज इस मुद्दे पर कोलकाता में कैंडल मार्च भी निकाला। इस दौरान बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने संदेश खाली मामले को लेकर क्या कहा, सुनिए। डिमांड ये है कि संदेश खाली में जो हमारे माँ हमारे बहन लोग का जो अत्याचार हुआ है, हमारे मुख्यमंत्री हमारे महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सब मालूम था, उनको क्षमा मांगना चाहिए। डिमांड नंबर वन। और डिमांड नंबर टू, शेख शाहजहां को इमीडिएटली अरेस्ट करके घसीटते घसीटते उनको दिल्ली लेके जाना है और सख्त से सख्त उनको सजा देना है। ये दो हमारा डिमांड है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहजहां और सिराज शेख ने कई लोगों की जमीनें कब्जा की हुई हैं। हालांकि अब दोनों शेख भाइयों के खिलाफ लोग खुलकर सामने आ रहे हैं और प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। पुलिस ने जो कैंप लगाया है बेर बुजुर्ग संदेश खाली के इलाके में, वहां पर जो एक कपल पहुंचा है जो 7 सालों से घर से दूर था, उनसे जानेंगे क्यों आप कैसे आप घर से दूर थे 7 साल से, आप क्या वापस नहीं आ पा रहे थे? अरे अरे वो जो मेरे जगह पे मेरे ले लिया, उसका मेरे को धमकी दिया, यही पर आएगा तो तुमको मार देगा। अभी मेरा मेरे को बोला है जिधर पाएगा उधर तुमको मर्डर कर देगा, इसीलिए मैं हम घर छड़ा। आज इसलिए मैंने संदेश खाली जो घटना घटा हुआ है उसीलिए मैं इधर आया। ये बता रहे थे दर दर की ठोकरें जो है खा रहे हैं, ये 7 साल से जो है वो घर से भागे हुए थे क्योंकि उनका जो आरोप है वो सीधा सीधा शेख सिराज पर है और कहा गया कि उनसे उनकी जमीन तो जबरन ले ली गई और साथ ही उनको यहाँ पर रहने भी नहीं दिया गया। उनके पति को जो है बुरी तरीके से पीटा गया और साथ ही कहा अगर जान बचानी है तो यहाँ से चला जाए, और उसके बाद उनके छोटे छोटे बच्चों के साथ जो है इधर उधर घूमते रहे। लेकिन आज जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर पुलिस ने कैंप लगाया है और पुलिस के यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में डिप्लॉयमेंट हुई है, तब जो है यहाँ पर हिम्मत करके आ पाए हैं वापस और यहाँ पे शिकायत दर्ज की है कि 7 साल से जो लोग भागे हुए थे क्या वो फिर एक बार जो अपने घरों को वापस आ सकते हैं, ये सवाल के साथ। संदेश खाली से वीडियो जर्नलिस्ट कौशिक दे के साथ पूजा मेहता, टाइम्स नाउ, नव भारत।